हेलो एवरीवन, आपका हमारे रोजगार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि एसएससी ने कहा था कि 29 तारीख को एसएससी सीजीएल इन कम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, वही हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट डली हुई है 29/12/2020 को ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वहीं इस नोटिफिकेशन के सहारे अब हम समझते हैं कि इसमें डेट कब की है, क्या लास्ट डेट है, टीयर वन की डेट भी दी हुई है तो वो सब भी हम जान लेते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, जैसे कि मान ग्रेजुएशन लेवल है तो ग्रेजुएशन तो ऑलवेज है ही, लेकिन कई जो वेरियस पोस्ट होती हैं, इसमें जो पोस्ट होती हैं उनमें अलग क्वालिफ़िकेशन भी मांग लेते हैं, तो उसके सहारे हम वही समझेंगे। एज लिमिट क्या है, फीस की पैसे कितने हैं, ये सब हम इस नोटिफिकेशन के सहारे समझेंगे। तो नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले या वीडियो शुरू करने से पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम आपको गवर्नमेंट जॉब्स की जितनी भी अपडेट होती है वो सब देते हैं, फिर वो UP SSC हो, UPSC हो, SSC हो या UPSC हो, कोई भी हो, हम हर स्टेट की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपसे देते हैं, रिजल्ट की हो, एडमिट कार्ड की हो या जॉब की हो, ताकि कैंडिडेट्स से कोई भी उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी जॉब छूटे ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये आज के दिन जारी हो चुका है 29/12/2020 जो 31 जनवरी 2021 तक चलेगा। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर टीयर वन की जो डेट दी है, टीयर टू की डेट नहीं दी है, टीयर वन की ही डेट दी है, वो डेट है 29/5/2021 टू 7/6/2021 यहाँ पर टीयर वन की डेट दी है। वहीं आप यहाँ देखेंगे तो SSC ग्रुप बी और ग्रुप सी की इसमें वेरियस पोस्ट निकालता है। CGL में अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग डिपार्टमेंट एंड अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसमें निकालता है, वो CGL की वैकेंसीज निकलती हैं SSC के द्वारा। तो आप देखेंगे यहाँ पर पे लेवल 8 का भी यहाँ दिया है, जैसे कि यहाँ अस्ट्रा का ऑडिटर ऑडिट ऑफिसर है, इसका ग्रुप बी है एंड इसकी जो एज है वो 30 ईयर है मैक्सिमम। तो इसमें हम बात करें कि एज लिमिट सबकी अलग अलग है, लेकिन जो एज का जो छूट है वो सबकी एक जैसे कि SC ST की 5 ईयर है, OBC की 3 ईयर है, तो यहाँ आपको एज लिमिट यहाँ मिल जाती है। वहीं नीचे बात करें इसके वैकेंसीज के बारे में, वैकेंसीज के बारे में बात कर रहे थे, तो टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी आप देखेंगे 6,506 इसमें वैकेंसी हैं आपकी, 6,506 वैकेंसी हैं इसमें आपकी। वहीं यहाँ पर आपके भूटान के जो लोग हैं वो डाल सकते हैं, नेपाल के लोग डाल सकते हैं, इंडिया के तो डाल ही सकते हैं। वहीं नीचे हम यहाँ पर एज जैसा कि दिया है, यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से यहाँ एज लिमिट दी है, एज लिमिट 1 जनवरी से दी है। वहीं आप यहाँ देखेंगे तो एज में छूट आपको SC ST से 5 ईयर होता है, OBC में 3 ईयर होता है, PWD 5-10 ईयर और PWOBC में 13 ईयर और PWD SC ST 15 ईयर आपको यहाँ छूट मिल जाती है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ एज देख सकते हैं किस प्रकार से आपको एज में एज लिमिट मिल जाती है, एज में छूट मिल जाती है। वहीं अब हम जान लेते हैं इसके फीस के बारे में, जैसा कि यहाँ क्वालिफ़िकेशन दिया है, आप जैसे देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन 8th कॉलम में यहाँ दिया है, कम से कम आपको ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन कुछ पोस्ट जो हैं जैसे कि अलग, उससे अलग थोड़ा हो जाता है, जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री मांगी है, संघ में आपको 60% मांगे हैं मैथमेटिक्स के साथ, वो भी 12th में। वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी है, दूसरा जो इसमें लगा दिया है दूसरी क्वालिफ़िकेशन, या आपके पास ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, तो दूसरी आपकी देखेंगे तो बैचलर डिग्री आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का एक सब्जेक्ट आपने बैचलर डिग्री में अपना पढ़ा हो ये वाला। वहीं आप अपना ऑल अदर पोस्ट भी देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। अच्छा, यहाँ हाउ टू अप्लाई दिया है, यहाँ हाउ टू अप्लाई दिया, आप पूरा इसको एक बार जरूर पढ़ लें। जैसे कि फ़ोटो जो है हमारी फ़ोटो जाएगी JPEG के फॉर्मेट में, जो 20 KB टू 50 KB के अंडर होनी चाहिए। वहीं एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी आपको 10वें कॉलम में मिल जाएगा, जो फ़ी है वो आपकी 100 रुपये है, लेकिन जो SC ST और PWD के कैंडिडेट हैं उन्हें कोई फ़ी नहीं देनी है, उनके लिए फ्री है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। जो आप याद रहे आप आज ही से अप्लाई कर सकते हैं, जो 31 जनवरी 2021 तक चलेगा, लेकिन आप लास्ट की डेट तक इंतज़ार ना करें तो बेहतर होगा आप आजकल में इसमें अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट की डेट में वेबसाइट पर प्रॉब्लम होती है कई सारी, आप
अप्लाई करने में कई जैसे फीस पे ना होना, आखिरी सबमिशन ना होना, लास्ट सबमिशन ना होना, तो इस प्रकार की कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इसे अब आप हमने ये सब जान लिया है, तो याद रहे कि एप्लीकेशन तो चालू हो चुका है, याद रहे अप्लाई करने से पहले ज़रूर नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि नोटिफिकेशन को पढ़ने से काफ़ी हेल्प होती है, तो हम अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई गलती नहीं करते हैं। तो अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं याद रहे कि टीयर वन की डेट दे चुके हैं SSC 29/5/2021 टू 7/6/2021, इसमें डेट है, टीयर टू की डेट नहीं है। 31 जनवरी 2021 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की, तो आप अप्लाई कर दें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इस वीडियो में हमने केवल अभी नोटिफिकेशन के बारे में ही डिस्कस किया है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम इस पर बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम केवल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है, तो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट देते रहेंगे, रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो, जिस प्रकार की भी जानकारी होगी हम आपको आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।